हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? दोस्तों, यह है इकोनॉमिक सर्वे का वॉल्यूम 1 का पहला इनफैक्ट चैप्टर, है ना। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने प्रीफेस के बारे में पढ़ लिया था। देखिए, वॉल्यूम 1 का प्रीफेस हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है। ये पहला चैप्टर है जिसका नाम है स्टेट ऑफ इकोनॉमी एंड एनालिटिकल ओवरव्यू एंड आउटलुक फॉर पॉलिसी। ठीक है, इसमें बेसिकली इंडिया के इकोनॉमी के एक ओवरव्यू, पॉलिसी एंड ओवरव्यू देखेंगे, बेसिकली क्या क्या चल रहा है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाम है स्टेट ऑफ इकोनॉमी एंड एनालिटिकल ओवरव्यू एंड आउटलुक फॉर पॉलिसी। पहला यहाँ पर दिया हुआ है समरी बनाकर दैट मेजर रिफॉर्म्स क्या क्या इंडिया में लाए गए हैं। तो बड़े बड़े मेजर रिफॉर्म्स में दोस्तों जीएसटी इंप्लीमेंटेशन एक बहुत ही बड़ा रिफॉर्म था इस बार का इंडिया में, ठीक है। और दूसरा रिफॉर्म जो है ट्विन बैलेंस शीट को चेकअप करने के लिए। ट्विन बैलेंस शीट में क्या प्रॉब्लम होता है ना, एक तो दोनों सेक्टर स्ट्रेस्ड होती है, जैसे बैंक सेक्टर भी स्ट्रेस्ड हुआ और आपका जाके कंपनी दैट इज नॉट ओनली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, मतलब कंपनी की भी बैलेंस शीट जो होती है नॉर्मल स्ट्रेस्ड होती है, ठीक है। तो उन दोनों चीजों को यू नो कंसर्न करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा वैसे इंडियन बैंक्रप्सी कोड लाया गया, जिसके तहत चक्रव्यूह प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। बहुत हद तक सॉल्व भी हुआ है, बट अभी भी 100% सॉल्व नहीं है, अभी भी बहुत खामियां हैं। चलिए वो भी डिस्कस कर लेंगे अभी बाद में, ठीक है। बट अभी जस्ट ओवरऑल व्यू देख लेते हैं। नेक्स्ट जो स्टेप उठाया गया ट्विन बैलेंस शीट को प्रॉब्लम को चेकअप करने के लिए, वो था रिकैपिटलाइजेशन ऑफ बैंक्स, ठीक है। क्योंकि बैंक्स भी वन ऑफ द वेरी मेजर स्टेक होल्डर इन दिस ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम, है ना। तो उनके भी रिकैपिटलाइजेशन बहुत हद तक करवाया गया, बट बैलेंस भी बहुत रोना रोती है दैट यू नो हमें इतना पैसा चाहिए था, इतना पैसा सरकार ने दिया नहीं। तो एनीवेज, ये तो स्टेप्स उठाए गए सरकार के द्वारा, जिससे देखा गया दैट इकोनॉमी जो है थोड़ा एक्सलेट हुआ है, है ना। एक्सलेट बहुत हुआ है और इससे रियल जीडीपी के फिगर्स भी अगर हम लोग बाद में एनालिसिस करेंगे उसमें भी देखेंगे तो हाँ, थोड़ी बढ़ोतरी मिल रही है, है ना। एंड हम लोग अभी भी वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी का पोजीशन अपने में होल्ड किए हुए हैं इन स्पाइट ऑफ द इमर्जिंग मैक्रो इकोनॉमिक कंसर्न्स जो क्या इंडिया और वर्ल्ड वाइड हमें देखने को मिल रहे हैं। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स के फेडरल रेट, है ना, वो लोग फेडरल रेट घटा रहे हैं, इससे क्या हो रहा है ना, यहाँ से जितना इकोनॉमी है वो सक करके फिर यूनाइटेड स्टेट्स में चले जा रहा है। इंटरनेशनल ऑयल प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई होता है और आप पता है आपको ऑयल से डायरेक्ट इंडिया का प्राइस टोटली कनेक्टेड है, क्योंकि यार ऑयल प्राइस में अगर थोड़ा ऊपर नीचे आता है तो यू नो मेन जो हमारा वेन ऑफ इंडियन इकोनॉमी है वही हर्ट हो जाता है, समझ रहे बात। तो यू नो ऑयल प्राइसेस के कारण भी काफ़ी ज़्यादा मतलब ऊपर नीचे दिखा है इकोनॉमी में। नेक्स्ट इज स्टॉक प्राइसेस, स्टॉक मार्केट भी देखिएगा तो बहुत ऊपर नीचे हुई है। तो ये सब कहीं ना कहीं मैक्रो इकोनॉमिक कंसर्न्स हमें देखने को मिला था इंडिया में, बट उस सब को सब कुछ मद्देनजर देखते हुए भी हमारा दुनिया में यू नो हमारा अभी इंडिया का इकोनॉमी अभी भी वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी का हम लोग टैग अभी भी हम लोगों के पास है। अब देख लेते हैं क्या क्या कुछ और भी बातें बेसिकली बोली गई थी, है ना। दैट जीएसटी काउंसिल का जो निर्माण किया गया है इसके तहत एक कॉपरेटिव फेडरलिज्म का एक यू नो मॉडल लाया गया है, जिसके तहत डिफरेंट सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर यू नो पॉलिसी रिफॉर्म्स लाई है। तो ये क्या जीएसटी काउंसिल के बाद में हम लोग आने वाले यू नो स्लाइड्स में पढ़ेंगे, बट अभी तो जस्ट हम लोग समरी पढ़ रहे हैं इस चैप्टर का, ठीक है। ओवर द मीडियम टर्म थ्री एरियाज ऑफ पॉलिसी फोकस स्टैंड आउट, मतलब एक शॉर्ट टर्म पॉलिसी फोकस बेसिकली इस चैप्टर में किया गया है, उसके बाद मीडियम टर्म भी किया गया। तो मीडियम टर्म्स में तीन बेसिकली एरियाज को फोकस आउट किया गया है, दैट एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड एग्रीकल्चर। क्योंकि इन सेक्टर को अगर फोकस किया जाए तो मीडियम टर्म में यू नो इंडिया की इकोनॉमिकल अगर ओवरऑल ग्रोथ अगर देखेगा तो एक बहुत एक मेजर ट्रेंड में हम इनका ग्रोथ इंश्योर कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में बोला गया है दैट यंग्स लोगों को बेसिकली गुड जॉब्स, जैसे वो लोग अच्छे अच्छे जॉब्स पा सके, तो उसके लिए सरकार ने काफ़ी ज़्यादा यू नो स्टेप्स लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, स्पेशली वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है। वुमेन, क्योंकि वुमेन को हमारा इस बात का ऑलमोस्ट थीम भी है, क्योंकि आपको पूरा इकोनॉमिक सर्वे पिंक दिख रहा होगा, ठीक है। तो एनीवेज, वुमेन को भी यू नो एक मेन स्ट्रीम में लाने की ज़रूरत है बोला गया है। एडुकेशन के सेक्टर में बोला गया है एक एडुकेटेड और हेल्दी लेबर फोर्स अगर हो जाए तो हमारा जो डेमोग्राफिक पोटेंशियल है उसको अच्छे से हम लोग रीप कर सकते हैं, अगर इसको अच्छे से रीप नहीं किया जाए तो वो फ्यूचर में डेमोग्राफिक डिजास्टर बन सकता है। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर सेक्टर को बेसिकली फोकस किया गया और बोला गया है अगर एग्रीकल्चर फार्म प्रोडक्टिविटी को अगर बढ़ाया जाए तो ये एग्रीकल्चर रेजिलियंस और भी बढ़ाया जा सकता है, मतलब अगर फार्म प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए तो एग्रीकल्चर मतलब जैसे यू नो
क्लाइमेट्स के कारण जो डिफरेंट रेजिलियंस आती है, ठीक है, तो उन रेजिलियंस को यू नो डू अवे किया जा सकता है, और बहुत हद तक जो सरकार का जो एम है दैट किसानों का भी यू नो ज्यादा से ज्यादा फायदा करवा सके और उनका इनकम डबल करवा सके, तो उस सेक्टर में भी काम कर सकती है। बट मेजर जो एक अगर मिड टर्म ऑब्जेक्टिव अगर देखना है तो सरकार को इन तीन चीजों पर बहुत अच्छे तरीके से फोकस करना पड़ेगा, है ना। और साथ ही साथ बोला गया दैट अबव ऑल इंडिया मस्ट कंटिन्यू इंप्रूविंग द क्लाइमेट ऑफ रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। ये सब तो करना ही पड़ेगा, बट ओवरऑल जो भी पॉलिसी डिसीजन लिया जाता हो, ठीक है, तो एक इंटीग्रेटेड तरीके से लेना चाहिए, है ना, मतलब सेग्रीगेटेड तरीके से नहीं लेना चाहिए, इंटीग्रेटेड इन द सेंस दैट हम अगर एक सेक्टर में अगर कोई पॉलिसी डिसीजन ले रहे हैं तो हमें इंश्योर करना पड़ेगा दैट इस सेक्टर का पॉलिसी डिसीजन दूसरे सेक्टर को कैसे अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। अगर हम लोग ऐसे कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कोई डिसीजन ले सरकार, तो इंश्योर किया जा सकता है दैट रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकता है और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट्स जो क्या यू नो हमारा अभी मतलब अगर हमको इंडिया का ग्रोथ चाहिए तो ये सस्टेनेबल इंजन की तरह काम कर रहा है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा क्रिएशन होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा क्रिएशन होगा तो ऑफकोर्स ग्रोथ भी आना ही अनिवार्य है। और साथ ही साथ एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट को दूसरा मेजर फैक्टर लिया गया है क्योंकि हमारा जो इकोनॉमिक ट्रांजिशन है इंडिया का देखा जाए तो एग्रीकल्चर से हम लोग डायरेक्ट यू नो इसमें सर्विस में हम लोग जंप कर गए, ठीक है। तो बीच में एक चीज छूट गया, वो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ग्रोथ, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ग्रोथ हुआ भी है थोड़ा मोड़ा, वो हम लोग देखेंगे भी कि भाई हाँ हुआ है क्योंकि डोमेस्टिक अगर ट्रेड देखा जाए तो बहुत ज्यादा बढ़ा है, ठीक है। बट हम साथ ही साथ इंश्योर करना पड़ेगा अगर हम चाइना जैसे देशों को टक्कर देंगे तो हमें एक्सपोर्ट्स को हमें बढ़ाना ही पड़ेगा। अब देख लेते दोस्तों स्टार्ट कर रहे हैं मेनली, ये तो जस्ट एक रिव्यू हम लोगों ने देख लिया क्या क्या था, ठीक है। अब आया है ओवरव्यू इन द शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक सर्वे का पहला चैप्टर का मेनली। तो इसमें बोला गया है दैट पास्ट ईयर में सरकार के द्वारा काफी ज्यादा रिफॉर्म लिए गए हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जिसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी अभी डिस्कस किया भी, बट अभी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को इंप्लीमेंट करने के बाद भी कुछ कुछ चैलेंजेस दिख रहे हैं, है ना। चैलेंजेस क्या हुआ ना, इनफॉर्मल सेक्टर नेगेटिवली इफेक्ट हुआ है, ठीक है। बहुत सारे एक्सपोर्टर्स यू नो पैसा लगाने में डर रहे हैं क्योंकि उन्हें डर लग रहा है दैट एक प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है सरकार की। सरकार जीएसटी काउंसिल में भी जो जो डिसीजंस लेती है, आज ये डिसीजन लिया कल डिसीजन चेंज कर लिया, तो वो प्रेडिक्टेबिलिटी लाने की जरूरत है। और चैलेंजेस आई मीन गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लाने के बाद यू नो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम में भी काफी ज्यादा चैलेंजेस दिखे हैं क्योंकि गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क को लाया गया था, उसके बाद में भी काफी ज्यादा यू नो उसके खिलाफ में भी बहुत ज्यादा मतलब इंडिया में ओवरऑल बोला गया था दैट यार ये फुल प्रूफ है क्या नहीं, ये वो टेक्नोलॉजिकल थिंग। तो एनीवेज ये सब सारा जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के रिलेटेड जितने भी सारे पॉलिसी या फिर लॉ या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम जो कि इस बड़ा सा एक यू नो टैक्सेबल रिजीम को चला रहा है इंडिया में, उसको स्मूदन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ट्विन बैलेंस शीट चैलेंज के बारे में डिस्कस किया गया और इसमें भी तो हम लोगों ने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया दैट इंडियन बैंकरप्सी कोड और रिकैपिटलाइजेशन ऑफ बैंक को मेनली फोकस किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है मैक्रो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर। अगर इकोनॉमिक सर्वे देख लीजिए पिछले साल का, तो फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में मैक्रो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स किस किस सेक्टर में हमें देखने को मिला। तो देखिए दोस्तों इंडिया का इकोनॉमी जो बोला गया टेम्पररीली डिकपल्ड हो गया था, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू द वर्ल्ड, जिस रिस्पेक्ट से एक्सलरेट कर रहा था उस रिस्पेक्ट से हम लोग एक्सलरेट नहीं कर पा रहे थे, है ना। डीकपल्ड मतलब यही हुआ दैट वर्ल्ड जिस रेट से एक्सलरेट कर रहा था उस रेट से एक्सलरेट नहीं कर पा रहे थे। बट यहां पर भी डाइकोटोमी है, डाइकोटोमी क्या है दैट भले ही हम एक्सलरेट नहीं कर पा रहे बट अभी भी अगर इंडिया का ग्रोथ दे दीजिए इकोनॉमिक ग्रोथ तो दुनिया में लाइक माइंडेड कंट्रीज के रिस्पेक्टिवली हमारा ग्रोथ फास्टर है, ठीक है। अच्छा डीकपल्ड होने के रीजंस भी बताए गए हैं, जैसे डीपॉइंटाइजेशन इनफॉर्मल सेक्टर को इन्होंने बर्बाद कर लिया था डीमोनेटाइजेशन से। जीएसटी रिजीम लाया पहला, जब आने वाला था जीएसटी रिजीम तब का क्वार्टर में देखा गया था दैट बहुत ही सब कुछ डेटा गिर गया था, ठीक है, क्योंकि लोगों को प्रेडिक्टेबल नहीं था, लोग सोच रहे थे यार जीएसटी आने के बाद कैसा होगा यू नो टैक्स स्ट्रक्चर एंड ऑल, ठीक है। बट उसके बाद खैर थोड़ा बढ़ा था, एनीवेज वो सब लोग आगे में आने में वो ग्राफ्स जितने सारे डिस्कस करेंगे उसमें अच्छे से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज राइजिंग रियल इंटरेस्ट रेट में भी राइज हुआ काफी ज्यादा। ट्विन बैलेंस शीट में हैंगओवर दिखा, हैंगओवर इन द सेंस जैसे देखिए कोई अगर बोलते नहीं है दैट एक गाना होगा सलमान खान का हैंगओवर तेरी यादों का, ठीक है, तो उसमें क्या होता है ना हैंगओवर का मतलब ही अगर
लिटरल टर्म्स में देखिएगा, हैंगओवर मतलब होता है कोई अगर कभी अगर पी लेता है ना, जैसे ड्रिंक अगर कोई कर लेता है, आई मीन दारू का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसके बाद यू नो बहुत घंटे तक यू नो उसका इफेक्ट चलता रहता है, ठीक है, वही हैंगओवर बोला गया है। तो टीबीएस दैट इज ट्विन बैलेंस शीट का हैंगओवर अभी भी देखने को मिला है, जिसके तहत इंडिया का यू नो इकोनॉमी जो है वो टेम्पररी डीकपल्ड हो गया, क्योंकि ट्विन बैलेंस शीट के कारण अभी भी भले ही बैंकरप्सी कोड लाया गया है बट उसका अभी भी 100% इफेक्टिव ग्राउंड लेवल में कुछ हद तक यू नो मिटिगेट करने में सहायक भले ही हुआ है, बट अभी भी 100% उसका इफेक्ट दिखना बाकी है, ठीक है। नेक्स्ट इज फॉल इन सर्टेन फूड प्राइसेस, फूड प्राइसेस में भी फॉल हुआ और इनकम एग्रीकल्चर इनकम में भी काफी ज्यादा यू नो गिरावट देखने को मिला है फर्स्ट हाफ ऑफ द प्रीवियस इकोनॉमिक सर्वे, आई मीन दिस ईयर में, ठीक है। एंड स्ट्रॉन्ग मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स, भले ही हमको ये दिखा दैट इंडियन इकोनॉमी जो है वो थोड़ा टेम्पररी डिकपल हो गया, बट स्टिल उस तब भी मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल इंडिकेटर्स जो है वो कहीं ना कहीं हमारे पुख्ता रहे हैं। सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में देख लेते हैं तो उसमें थोड़ा साइन ऑफ रिवाइवल दिखा है विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट हाफ। साइन ऑफ रिवाइवल कैसे, हमारा जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंक है उसमें हम लोगों ने जंप मारा है बहुत सारा पोजिशन। FDI के सेक्टर में सरकार ने काफी ज्यादा अच्छा काम किया है, बहुत सारे सेक्टर में सरकार ने FDI को लिबरलाइज कर लिया है, ठीक है, किस किस में तो बहुत स्ट्रेटेजिक जो पहले माना जाता था है ना उसमें भी 100% छूट दे दिया गया है। नेक्स्ट इज हाउएवर द फीजल डेफिसिट द करंट अकाउंट एंड द इन्फ्लेशन इज हायर इन इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस, मतलब बट कुछ कुछ और भी यू नो इसके अलग एंगल भी दिखाया गया दैट कुछ जैसे फीजल डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट देख लीजिएगा तो वो हमारे फेवरेबल नहीं है, इनफैक्ट इन्फ्लेशन भी कहीं ना कहीं बढ़ रहा है ये भी देखने को मिल रहा है ना। तो ओवरऑल बोला गया दैट डुअलिटीज ऑफ रिवाइवल एंड रिस्क, वेदर रिवाइवल तो है बट कुछ कुछ और भी रिस्क जो हम लोग डिस्कस किए हैं या फिर आगे में करने वाले हैं, तो इससे ओवरऑल सरकार को इफेक्ट कैसे आपको ग्राउंड लेवल में क्या दिख रहा है दैट कैसे नेगेटिवली इफेक्ट हुआ है सरकार, तो बॉन्ड यील्ड सरकार का बढ़ा है। देखिए बॉन्ड यील्ड बढ़ना कभी भी मतलब फेवरेबल नहीं है, यहां पे गवर्नमेंट सेक्टर का बॉन्ड यील्ड के बारे में बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये गवर्नमेंटल रिपोर्ट्स है, ठीक है। तो गवर्नमेंट सेक्टर का बॉन्ड यील्ड घटा है, बॉन्ड यील्ड घटना मतलब बॉन्ड प्राइस बढ़ना, समझ रहे बात, तो सॉरी बॉन्ड यील्ड बढ़ा है, सॉरी वही मैं सोच रहा था यार मैं क्या उल्टा पढ़ा रहा हूं आपको, तो बॉन्ड यील्ड बढ़ा है इसका मतलब बॉन्ड प्राइस घटा है। बॉन्ड सरकार निकालती क्यों है, पहले तो बात ये है, देखिए बॉन्ड एक थोड़ा कॉन्सेप्ट इसका मैं बता देता हूं, वैसे मैंने अपने यू नो डेली करंट अफेयर सेक्शन में मैं करवाते रहता हूं बट स्टिल थोड़ा बॉन्ड यील्ड के बारे में बता देता हूं। से फॉर एग्जांपल मैंने एक बॉन्ड निकाला है आपको 100 रुपया का, ठीक है, आप मेरा बॉन्ड खरीदोगे या नरेंद्र मोदी जी ने एक बॉन्ड निकाला है वो बॉन्ड निकाला है तो वो बॉन्ड खरीदोगे, आप पता है आपको नरेंद्र मोदी जी वाला ही बॉन्ड खरीदोगे, ठीक है, क्योंकि आपको पता है दैट उनका कंपनी ज्यादा बहुत ज्यादा आगे भागेगा, ठीक है। तो उन्होंने बोला दैट हम 100 रुपए में तुमको 2 साल बाद 120 रुपए देंगे, मैंने भी बोला 100 रुपए में 120 रुपए दूंगा बट उनका बॉन्ड तो सारा बिक गया, मेरा बॉन्ड एक भी नहीं बिक रहा है, ठीक है, तो मेरे को क्या बोलना पड़ेगा, चलो भैया मैं 100 रुपया नहीं मैं 90 रुपया आपसे लूंगा और 90 रुपये में मैं आपको 120 रुपया दूंगा, ठीक है। तो प्रोपोर्शन वाइज देखिए वो फायदा दे रहे थे 20 रुपये का, मैं यहां पे फायदा दे रहा हूं 30 रुपये का आपको, ठीक है, तो परसेंटेज वाइज भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है ना, तो आप तो मेरे तभी ना आप मेरे पास आओगे यार। तो मतलब बॉन्ड यील्ड अगर मुझे बढ़ाना है तो मेरा बॉन्ड प्राइस मुझे घटाना है, जो क्या मेरे लिए तो नुकसानदायक हुआ ना और मोदी जी के लिए तो फायदेमंद हो गया, तो यही हुआ दर ये चीज जो मतलब रिवाइवल्स जो रिस्क जो देखने को मिला है तो वो मार्केट के ग्राउंड लेवल में भी देखने को मिला है और इसके तहत ये ग्राउंड लेवल में ये रिपोर्ट दिया इन्होंने आर्टिकल में जो डिस्कस किया गया था दैट बॉन्ड यील्ड काफी ज्यादा हाई हुआ है, ठीक है, और वो दिखा भी है सेकेंड हाफ में, देखिए मतलब इस GST लाने के बाद वाला सेकंड हाफ में देखिए बॉन्ड यील्ड काफी ज्यादा बढ़ रहा है गवर्नमेंट सेक्टर का, है ना, तो ये है। नेक्स्ट चीज बोला गया है फोकस करना पड़ेगा हमें बहुत कुछ चीजों में अगर हमें इंडियन इकोनॉमी को अच्छे से स्टेबलाइज करना पड़ेगा, जैसे 4R पे हमें मोनली फोकस करना पड़ेगा और वो 4R क्या है, रिकॉग्निशन रिजोल्यूशन कैपिटलाइजेशन एंड रिफॉर्म। रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि किस किस सेक्टर स्लो चल रही है, ठीक है, उसके रिजोल्यूशन के बारे में सोचना पड़ेगा, है ना, रिकैपिटलाइज अगर वो बैंक है तो रिकैपिटलाइज करो या फिर कोई अगर गवर्नमेंटल सेक्टर जगह है जो क्या बहुत ज्यादा डूब रही है तो उसको भी रिकैपिटलाइज करने की जरूरत है ना, और ओवरऑल रिफॉर्म लाने की जरूरत है। तो ये सब अगर हम लोग 4R में फोकस करेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा और यू नो जो डाउन ग्रोथ आ रही है ना उसमें
हम लोग रिवाइव कर सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस टाइप के कीवर्ड्स होते हैं ना, 4R, रिकॉग्निशन, रिजोल्यूशन, कैपिटलाइजेशन, रिफॉर्म, ये सब याद रखने का बहुत ज्यादा जरूरत होती है कभी कभी। तो नोट्स कॉपी में लिख लीजिए, क्योंकि जब मेंस का आंसर लिखते होंगे ना, तब अगर ये लिखेगा, मेंस का आंसर ही नहीं सर, ऐसे भी लिखेगा ना, तो इस टाइप के छोटे मोटे पॉइंट्स अगर, मतलब अट्रैक्टिव पॉइंट अगर लीजिएगा ना, 4R, 3C, ब्ला ब्ला ब्ला, तो इस टाइप पे बहुत अच्छा मतलब इंपैक्ट पड़ता है। क्योंकि देखिए, आपको क्या इंपैक्ट क्यों डालना है, आपको विद रिस्पेक्ट टू द अदर कॉम्पिटिटर्स, मतलब आपके साथ जो एग्जाम दे रहे हैं उनके साथ ना आपको कॉम्पीट करना है, तो उनका वो मैक्सिमम लोग नहीं लिखते हैं, गारंटी बता रहा हूं, है ना। अगर आप लिख लीजिएगा तो आपके लिए एडवांटेजियस पॉइंट हो जाएगा ये, है ना, क्योंकि सिंपल तरीके से देखिए, सिर्फ आपने 4R लिखा है, बट इस एक सेंटेंस में आप सब कुछ कह गए हैं उसको, समझ रहे बात। तो यही होता है, मतलब कम चीज लिखो बट इंपैक्टफुल चीज लिखो। और भी क्या क्या करने की जरूरत है दोस्तों, प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन को बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर अगर पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेट करने से बहुत फायदा होता है यार, मतलब आपका एक एफिशिएंसी भी आता है काम में, ठीक है, उसका आउटपुट भी ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर यूजुअली लेथार्जिक हो बोला जाता है, ठीक है, उसमें तो गवर्नमेंट में तो काम करो या ना करो, उनको श्योर है जो पैसा मिलेगा ही, है ना, बट प्राइवेट सेक्टर में तो वैसा नहीं है ना, आप काम करोगे तभी आपको पैसा मिलेगा, तो इसीलिए प्राइवेट सेक्टर को मेनली फोकस करने की जरूरत है। टैक्स बेस को एक्सपैंड करने की जरूरत है बहुत ज़्यादा, हमारे इंडिया में बोला जाता है दैट विद रिस्पेक्ट टू अदर फेडरल कंट्रीज, बेसिकली हमारा टैक्स रेट्स यू नो वैसा एक्सपैंड हमारा बेस अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है, तो इंश्योर करना पड़ेगा टैक्स बेस को बढ़ाए, है ना। अब वो कैसे बेस बढ़ाएगा वो बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे अच्छे से, ठीक है, बट साथ ही साथ जीएसटी के इंप्लीमेंटेशन को भी हमें इंश्योर करना पड़ेगा दैट कोई अनसर्टेनिटी ना रहे, जिससे एक्सपोर्टर्स को डर ना लगे यार, चलो भैया अगले यू नो अगले साल अगले महीना अगर यू नो रेट घट गया, जीएसटी काउंसिल ने अगर अलग रेट मतलब अपना रेट का घोषित कर दिया, तो इस सेक्टर में अनसर्टेनिटी सरकार को इंश्योर करना पड़ेगा दैट कोई भी अगर पॉलिसी डिसीजन सरकार देती है एक बार में ही बोल दो भैया हम लोग ऐसे अगले साल तक के लिए रहेगा, जिससे उन्हें अनसर्टेनिटी ना रहे, है ना, जिससे जो ये इकोनॉमी जो है वो और भी आगे जल्दी से जल्दी एक्सेलरेट होता रहे। इफ दिस ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड, बोला गया है अगर इन सारे ऑब्जेक्टिव्स को जो राय दिया गया है इकोनॉमिक सर्वे के द्वारा वो अगर अचीव कर लिया जाता है तो वर्ल्ड इकोनॉमी जो है उनका ग्रोथ मोमेंटम बहुत ही ज्यादा भग सकता है। इनफैक्ट इंडियन इकोनॉमी भी अपने आप को काफी ज्यादा एक्सेलरेट कर रही है, कर सकती है। इनफैक्ट इकोनॉमिक सर्वे द्वारा बोला भी गया है दैट हमें प्रोसीड कर सकते हैं हम 8% के ग्रोथ से, ठीक है, ऐसा बोला गया सर्वे के द्वारा। बट 8% ग्रोथ से अगर प्रोसीड करना हो तो हमें इंश्योर करना पड़ेगा दैट मीडियम टर्म के ग्रोथ जो पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स है सरकार के, जैसे जॉब्स, है ना, एडुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, तो इस सेक्टर में सरकार को मेजर ध्यान देने की जरूरत है। मीडियम टर्म ग्रोथ के बारे में बात कर रहा हूं, जब मीडियम टर्म ग्रोथ के बारे में बात कर रहा हूं तो चलिए ओवरव्यू फिर से देख लेते हैं मीडियम टर्म के बारे में। बेसिकली देखिए, जीएसटी काउंसिल को पहला मेन मुद्दा बनाया गया यहां पर, क्योंकि जीएसटी काउंसिल कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के तहत काम कर रही है। इसका काम क्या है ना, डिफरेंट स्टेट्स के साथ मिलकर सेंटर एक साथ डिसीजन बनाएगा, जिससे कोई भी अगर पॉलिसी रिफॉर्म लाने की जरूरत है टैक्स स्ट्रक्चर में तो वो लाया जाएगा, है ना, और इंश्योर किया जा सके दैट ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी को दूर किया जा सके। बट साथ ही साथ यहां पे बोला गया दैट जीएसटी जो काउंसिल अपना काम कर रही है वो तो कर ही रही है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के तहत, और जीएसटी काउंसिल का भी ओवरऑल यही एम है दैट हमारा इंडिया का इकोनॉमी आगे बढ़ता रहे। बट हर स्टेट्स को ऐसा नहीं है दैट स्टेट्स अपना एफर्ट नहीं लगाएंगे, स्टेट को भी अपना एफर्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि जीएसटी काउंसिल जो है आपके स्टेट्स का एफर्ट में कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, वो तो अपना काम कर रहा है, वो तो सेंट्रल लेवल में भैया काम कर रहा है, आप स्टेट लेवल में तो अपना काम चला रहे हो ना, आपको सिर्फ कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म के तहत काम करना पड़ेगा दैट नहीं यार, चलो भैया गुजरात इतना आगे चल रहा है तो बिहार क्यों नहीं आगे चल सकता है, तो बिहार गवर्नमेंट को वो सोचना पड़ेगा, है ना, भले ही दोनों जगह बीजेपी की सरकार है, ठीक है, बट एनीवेज कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म का भावना लाना ही पड़ेगा, तब आप अगर स्टेट को इकोनॉमी को आप अपना पुश करना चाहते हो तो तभी कर पाओगे, है ना, मतलब जीएसटी काउंसिल का तो इफेक्ट एक पर्टिकुलर तक ही रहेगा, है ना, अगर बट ग्राउंड लेवल में मतलब स्टेट लेवल में अगर अपना इकोनॉमी बनाना है तो आपको खुद से डिसीजन खुद ही लेना पड़ेगा, है ना। साथ ही साथ बोला गया जीएसटी काउंसिल के द्वारा जो क्या कॉपरेटिव फेडरलिज्म के इससे चलती है, तो इसके तहत और भी क्या क्या फायदे लाए जा सकते हैं जो क्या इंडियन गवर्नमेंट ला नहीं पा रही है या फिर उन्हें देख नहीं रहा है। कॉमन एग्रीकल्चर मार्केट सेक्टर बनाने में, जिससे एग्रीकल्चर सेक्टर इतनी ज़्यादा लोअर में चल रही है तो उसको कैसे आगे पुश किया जाए, मीडियम टर्म ग्रोथ का मैं बात कर रहा हूँ, है ना, और वही हम लोगों ने पढ़ा था ना, एम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर एंड एडुकेशन, तो इसको कैसे बढ़ाया जाए तो हमें सोचना पड़ेगा, है ना। तो जीएसटी काउंसिल के द्वारा कॉमन एग्रीकल्चर मार्केट का भी कोई तोड़ निकाला जा सकता है।
नेक्स्ट इज इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट जैसे केसेस, है ना, एयर पॉल्यूशन जैसे केसेस भी अगर चाहे तो एक हद के बाद जीएसटी काउंसिल संभाल सकती है, अगर यू नो कुछ कुछ कैवियट्स के साथ, अगर यू नो इस टाइप का सेंट्रल गवर्नमेंट कोई अलग अलग पॉलिसीज के साथ आए तो. नेक्स्ट इज इंटीग्रेट द फ्रेगमेंटेड एंड इनएफिशियंट इलेक्ट्रिसिटी मार्केट, मेक एक्सेस टू सोशल बेनिफिट्स पोर्टेबल टू पोर्टेबल अक्रॉस द स्टेट्स. मतलब सही गेस, जीएसटी काउंसिल का वही फायदा बताया गया है, ये अगर आपको रटना पड़ेगा तो रट लीजिए, बट मुझे तो खैर रट नहीं पा रहा हूँ मैं, है ना. बट एनी वेज देखिए, रटने का एक्चुअली जरूरत भी नहीं है, अगर आप विजुअलाइज कीजिएगा ना, ये जस्ट बोला गया है दैट हाँ जीएसटी काउंसिल का इम्पैक्ट किस किस सेक्टर में गिर सकता है, एग्रीकल्चर, एयर पॉल्यूशन कॉम्बैट करने में, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो कि नहीं हो पा रहा है तो उस सेक्टर में, क्योंकि देखिए ये तो कॉपरेटिव फेडरलिज्म के तहत काम कर रही है ना, और ये सब में भी अगर देख लीजिएगा तो कॉपरेटिव फेडरलिज्म का कुछ कुछ एलिमेंट चाहिए ये सब सारे इश्यूज को कंसर्न करने के लिए, ठीक है. तो इसीलिए ये फायदा बताया गया है. नेक्स्ट, साथ ही साथ ये बताया गया दैट कुछ कुछ बिल्स लाए जा रहे हैं या फिर कुछ कुछ स्टेप्स सरकार के द्वारा उठाए जा रहे हैं, तो उस स्टेप्स को हम लोग फिर से रीरेगुलेट करने की जरूरत है. जैसे FRDI बिल, रिसेंटली फाइनेंशियल रिजोल्यूशन डिपॉजिट इंश्योरेंस बिल लाया गया था, जिसके तहत काफी ज्यादा यू नो उसके खिलाफ में काफी ज्यादा वॉइसेस उठ रहे थे, क्योंकि बोला जा रहा था दैट इसके तहत एक बेल इन नाम का क्लॉज था, है ना, उसके तहत बोला गया दैट कभी भी अगर कोई बैंक, कभी कोई अगर बैंक्रप्सी भी आ जाए, ठीक है, तो उस केस में यू नो बैंक को इतना पावर मिल जाएगा दैट वो कस्टमर को पैसे ना दे, भले ही बॉन्ड दे दे, है ना. ऐसा नहीं दैट कस्टमर का कुछ लॉस होगा, बट एनीवेज अभी तक का जो नियम है ना, अभी ये है दैट सरकार पैसे, मतलब कस्टमर जो है वो पैसे भी उठा सकता, मतलब पैसे उसको मिल सकते हैं, और 1,00,000 तक का लिमिट भी है, ठीक है. तो एनीवेज उतना भीतर में नहीं जा रहा है, बट इस टाइप के जो स्टेप्स जो उठाया जा रहा है ना, वो स्टेप्स में कुछ प्रेडिक्टेबिलिटी लाने की जरूरत है सरकार को, ट्रांसपेरेंसी लाने की जरूरत है टू स्ट्रेस, मतलब स्ट्रेस फर्म को ऑक्शन करने के लिए, है ना, और वो ऑक्शन का जो हिस्सा मिले हाईएस्ट बिडर्स को ही देना चाहिए, क्योंकि हाईएस्ट बिडर्स को अगर ऑक्शन का ले जाती है तो यू नो सरकार को ज्यादा पैसे आ जाएंगे, ठीक है, तो इंश्योर करना चाहिए. नेक्स्ट इज गवर्नमेंटल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है उनको रैशनलाइज करना चाहिए, है ना, जिससे पुअर पीपल तक भी वो रिसोर्स पहुंचे, क्योंकि अभी का रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट एट ऑल रैशनलाइज, और कुछ अपर सेक्शन ऑफ लोग या फिर अपर सेक्शन ऑफ यू नो बेनिफिशरीज उसका फायदा उठा ले जाते हैं और पुअर सेक्शन को मिलता ही नहीं है, ठीक है. तो ये सब सेक्टर में भी इंश्योर करना है सरकार को, क्योंकि देखिए अगर ग्राउंड लेवल में सब जगह अगर सब कस्टमर और सब कोई अगर यू नो हैप्पी हो तो ही ओवरऑल इंडिया का इकोनॉमी को हैप्पीली आप बढ़ा सकते हो आगे में, है ना. सेंटर का टैक्स टू जीडीपी रेशियो को हमें फोकस करना पड़ेगा और इंश्योर करना पड़ेगा दैट यू नो टैक्स ज्यादा से ज्यादा विद रिस्पेक्ट टू जीडीपी यू नो गेन करे. और अगर आप हमारे दूसरे कंट्रीज देख लीजिएगा, फेडरल कंट्रीज, तो उनके रिस्पेक्टिवली हमारी टैक्स टू जीडीपी रेशियो रिस्पेक्टिवली बहुत ही ज्यादा कम है, ठीक है. तो इंश्योर करना पड़ेगा दैट ये ज्यादा बढ़ा दे. साथ ही साथ इसमें डिस्कस किया गया है दैट कुछ कुछ स्टेप्स तो सरकार के द्वारा लिया गया है दैट ओवरऑल यू नो जो इंडिया में प्रॉब्लम्स हो रहा है उसको कैसे कंसर्न किया जा सके. जैसे कुछ कुछ प्रॉब्लम, जैसे स्वच्छ भारत अभियान के तहत टॉयलेट यूजेज का प्रॉब्लम, ठीक है, तो सरकार ने तो लाया है, सरकार ने तो पूरा स्वच्छ भारत अभियान के तहत डिफरेंट यू नो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स के थ्रू यू नो टॉयलेट्स के बनाने के लिए हर एक डिस्ट्रिक्ट में प्रोविजन किया जाएगा जहां जहां टॉयलेट नहीं है. बट यहां पे वही बोला गया है दैट टॉयलेट का यूज बना तो दिया गया है बट यूज कितना हो रहा है, और इसके बारे में हम लोग डिस्कस भी करेंगे. ये सब जो है ना टॉयलेट यूजेज बना तो दिया गया बट यूज कितना हो रहा है, ये सब के बारे में ग्राफ भी दिया हो तो अच्छे से डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट इज बैंक अकाउंट बोला गया, फाइनेंशियल इंक्लूजन तो हुआ है, ठीक है, बट अभी भी जीरो अकाउंट बैलेंस वाले फाइनेंस माने अकाउंट्स बहुत ज्यादा है, मतलब लोग खाली बैंक अकाउंट बना के छोड़ दिए, उसमें कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं ना. नेक्स्ट इज कुकिंग गैस कनेक्शन के बारे में बोला गया दैट कंसिस्टेंसली कुकिंग गैस कनेक्शन तो मिला है बट अभी भी जो रिफिल, मतलब दे तो दिया गया है बट लोग उसका रिफिल, मतलब रिफिल करवाने के लिए नहीं आ रहे उस कुकिंग गैस को, ठीक है, तो वो सब भी कुछ ना कुछ मेजर, मतलब यहाँ कंसर्न्स जारी किए गए. विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में बोला गया दैट ग्राउंड लेवल में अभी भी हर हाउस होल्ड के पास कनेक्शन नहीं आया गया. देखिए ये सब जो मैं बोल रहा था ना दैट ग्राफ बने हुए हैं या फिर डेटाज दिए हुए, वो डेटाज है बेसिकली. देखिए ये है टॉयलेट कवरेज एंड यूजेज का डेटा. बोला गया टॉयलेट कवरेज इन परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड इन रूरल इंडिया, रूरल इंडिया में परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड का जो टॉयलेट जो है वो कितना है ना. तो देखिए डेटा है इंडियन ऑल इंडिया रूरल रीजन का, 2011 का सेंसस डेटा अगर देख लीजिएगा तो वहां पे रूरल इंडिया में 31% ही टॉयलेट कवरेज था,
वहीं पर अगर धीरे जब से स्वच्छ भारत अभियान आया गया उसके बाद के जो डेटाज देखे गए तो अच्छा जंप लगाया गया और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस द्वारा 47% मापा गया। वहीं 2017 के क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया द्वारा जो ये सर्वे किया गया था उसमें 63% और नवंबर 2017 में दोस्तों यहां पर किया गया था आपका स्वच्छ भारत मिशन MIS सिस्टम के द्वारा जो सर्वे किया गया था उसमें 74% कवरेज देखा गया है ना। मतलब टॉयलेट यूजेज इन परसेंटेज ऑफ टोटल विद टॉयलेट्स अगर देखा गया, भले ही टॉयलेट्स है इसमें, अगर इसको अगर टोटल 100% आप माने ठीक है तो उसमें 100% में भी एक्चुअल यूजेज जो किया जा रहा है वो 91% के द्वारा ही यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट इज दोस्तों बैंक अकाउंट के बारे में, जैसे कि मैंने बोला ना दैट जनधन अकाउंट तो बढ़ रहा है बट अभी भी जीरो अकाउंट बैलेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि देखिए मतलब वैसे भी घट रहा है ये जीरो बैलेंस अकाउंट, मतलब लोग यूज कर रहे हैं बैंक का अकाउंट है ना, बट अभी भी मतलब वही डेटा दिया हुआ है दैट नंबर ऑफ जनधन बैंक अकाउंट कैसे बढ़ा है विद रिस्पेक्ट टू दिसंबर 2015 दिसंबर 2016 दिसंबर 2017 का डेटा है और यहाँ पे नंबर ऑफ जनधन अकाउंट देखिए बढ़ते जा रहा है, समझ रहे बात, बट वहीं पर ये देखिए जीरो बैलेंस अकाउंट भी घटते जा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव इंडिकेशन ही है बेसिकली है ना। और सेकंड ग्राफ जो है ये है आधार सीडेड जन धन अकाउंट के बारे में, इसमें बोला गया है दैट ये देखिए आधार सीडेड जनधन अकाउंट जो है वो भी बढ़ रहा है, मतलब जनधन अकाउंट जो कि आधार के द्वारा इनरोल किया जा रहा है वो भी बढ़ रहा है और परसेंटेज ऑफ ओवरऑल टोटल जनधन अकाउंट जो है वो भी इंडिया में बढ़ रहा है धीरे धीरे ठीक है। तो मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन धीरे धीरे बढ़ रहा है, इससे आप यही ओवरऑल निष्कर्ष निकाल सकते हो। नेक्स्ट इज हाउसिंग, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंडर में देखिए कितना सारा हाउसिंग कंस्ट्रक्ट हुआ है, 2016 तक का अगर रिपोर्ट देख लीजिएगा तो ये जितने सारे हाउसिंग कंस्ट्रक्ट हुआ है ये इंदिरा आवास योजना के तहत हुआ है। 2017 में थोड़ा गिरावट आपको भले ही मिलेगा है ना, बट ये गिरावट इसलिए हुआ ना कुछ कुछ चेंजेस लाए गए थे इसमें है ना प्रधानमंत्री आवास योजना में, उसके तहत बैंकिंग में बोला गया था दैट अगर कोई मतलब सरकार तो एक पैसे पर्टिकुलर पैसे देगी बट अगर वहां का कोई बंदा चाहे तो वो भी बैंक लोन ले सकता है और उसको सब्सिडाइज रेट में बैंक लोन दे दिया जाएगा, मतलब आपको सरकार तो पैसा दे रही है बट आप अपना खुद भी पैसा लगाकर आप अपने घर को और भी अच्छी तरीके से बना सकते हो है ना। तो ये सब का भी प्रोविजन है, तो उसके लिए थोड़ा 2017 का वैसे घटा है बट ये जो रिपोर्ट देख रहे हैं आप ये 20 जनवरी 2018 तक का ही रिपोर्ट है यहां पर है ना। नेक्स्ट इज गैस कनेक्शन उज्ज्वला योजना के अंडर अगर देख लीजिएगा तो वैसे तो 2014, 2015, 2016, 2017 में कलेक्शन बढ़ी रहा है बट यहाँ पर जो देखिएगा 2017 दिसंबर 2017 तक का कलेक्शन तो यहाँ पर 44% एक्सक्लूसिवली शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब्स के वुमेन्स को उज्ज्वला कनेक्शन के अंडर गैस कनेक्शन दे दिया गया था ठीक है, जिसमें 79% जो है ये टोटल रिफिल्स करवाई थी है ना। ये नंबर इन मिलियंस है, मतलब एब्सोल्यूट टर्म में, वहीं पर एवरेज टर्म में अगर देख लीजिएगा तो हर 5 में 4 लोगों ने रिफिल करवाया है। नेक्स्ट है मंथली न्यू टैक्स फाइलर्स के बारे में एक ग्राफ बताया गया था और ये देखिए नवंबर 16 के बाद है ना डॉट डॉट डॉट, मतलब नवंबर 16 को हुआ क्या था आपका डीमोनेटाइजेशन लाया गया था ठीक है। तो डीमोनेटाइजेशन के बाद टैक्स फिलर के बारे में देखिए कितना मतलब बढ़ोतरी हुआ है रिस्पेक्टिवली, पहले जो ग्राफ वो एवरेज ग्राफ जो इस रेड लाइन से जा रहा था वो एवरेज ग्राफ जो रेड लाइन से जाना चाहिए था देखिए कितना ऊपर भाग गया, मतलब लोग टैक्स भर रहे हैं पोस्ट डीमोनेटाइजेशन पीरियड में और ये प्रोपोर्शन ऑफ जो टैक्स जो लोग भर रहे हैं उनके प्रोपोर्शन की बढ़ोतरी हुई है ओवरऑल ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों करंट अकाउंट वल्नरेबिलिटी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इससे पहले एक चीज बता देना चाहता हूं, अगर आपने करंट अकाउंट क्या होता है कैपिटल अकाउंट क्या होता है तो ये अगर आपको नहीं पता है तो आप पहले इकोनॉमी का सेक्शन पढ़ लीजिए उसके बाद इस सेक्शन में आइएगा ठीक है, क्योंकि ये भी अपने आप में बहुत एक बड़ा चैप्टर है भाई है ना। तो अगर आपके इकोनॉमिक्स के थोड़े बेसिक्स कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो तो इस इकोनॉमी को सर्वे को पढ़ना बहुत ही ज्यादा आसान है आपके लिए ठीक है। तो एनीवेज चलिए देख लेते हैं करंट अकाउंट के रीजन में बहुत ज्यादा वल्नरेबिलिटी दिख रही है, जैसे पहला बात तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इंटरनेशनल कंट्रीज जो है काफी ज्यादा कॉम्पिटेटिव है विद रिस्पेक्ट टू इंडिया, जिससे इंडिया का कॉम्पिटेटिवनेस रिस्पेक्टिवली घट जा रहा है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है चाइना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सबसे ज्यादा दुनिया का सबसे ज्यादा कॉम्पिटेटिव कंट्री है ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारा जो डेटा सीट है यहाँ पे गड़बड़ा रहा है। नेक्स्ट इज रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है ये भी एक चैलेंज है बेसिकली।
बहुत हद तक सरकार ने सोचा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत दैट कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी घटे, बट बहुत मतलब बहुत सेक्टर्स में अभी भी यू नो 100% ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है और अभी भी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ज़्यादा है. ठीक है, तो इंश्योर करना है दैट ये सब भी घटे. एक्सपोर्ट टू जीडीपी रेशियो जो क्या कॉन्स्टेंटली डिक्लाइन कर रही है उसको अरेस्ट करने की जरूरत है. ठीक है, वैसे बहुत सरकार ने भी बहुत काम किया, जैसे आपका टेक्सटाइल सेक्टर ले लीजिए, वहां पे हम लोगों ने पहला उसमें डिस्कस भी किया था प्रीफेस वाले चैप्टर में दैट उसमें तहत यू नो सरकार के द्वारा एक पैकेज लाया गया था जिसके तहत यू नो सब्सिडीज दिया जाता है जिससे हमारा टेक्सटाइल सेक्टर जो क्या वियतनाम और बांग्लादेश जैसे कंट्री से काफी ज्यादा कॉम्पिटिशन फेस कर रही थी उस सेक्टर में काफी ज्यादा बढ़ी है. ठीक है, तो एनीवेज उसी टाइप में डिफरेंट अदर सेक्टर्स को भी सरकार को फोकस करना चाहिए और इंश्योर करना चाहिए दैट एक्सपोर्ट टू जीडीपी जो है वो और भी बढ़ता रहे. नेक्स्ट इज कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी को ओपन करने के लिए बोला जा रहा है. हमारे इंडिया में करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी अगर देख लीजिए तो उसमें 100% है, बट कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी में बहुत ज्यादा केवीएट्स लगाए हुए हैं. वो एफआईआई ले लीजिए या फिर एफडीआई ले लीजिए, समझ रहे बात. तो यहां पर इंश्योर करना पड़ेगा दैट इस सेक्टर को सरकार को और भी थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा. भले ही 100% आप खोलो मत, 100% खोलने से रिस्क है, पता है उसके बहुत ज्यादा रिपरकशंस है, 100 नहीं बट एक कुछ कुछ सर्टेन केवीआरस के साथ सरकार को इंश्योर करना चाहिए दैट इसको थोड़ा और भी लिबरलाइज करना चाहिए जिससे और भी पैसे इंडिया में इन्फ्यूज हो सके. और यू नो पैसे इन्फ्यूज होंगे तो ऑफकोर्स यार कहीं ना कहीं वो पैसा इकोनॉमी में इंक्लूड होगा और जैसे पैसा अगर इकोनॉमी में रन करने लग गया तो आपको पता ही है यार इकोनॉमी हमारा चलने लग जाएगा, है ना, और भी फास्ट भागेगा. इनफैक्ट नेक्स्ट इज करप्शन और वीक गवर्नेंस के सेक्टर में सरकार को अच्छे से वार करना चाहिए क्योंकि करप्शन ऐसा सेक्टर है जो भले ही आप कितना भी यू नो उसको ट्रांसपेरेंसी ले आइए बट करप्शन अभी भी दिख रहा है सब जगह, है ना, करप्शन है, करप्शन नहीं जाने का कोशिश कर रहा है. तो यहां पे सेक्टर में सरकार को इंश्योर करना पड़ेगा दैट हायर लेवल माने हायरार्की के जो टॉप लेवल के जो ऑफिसर्स है उनमें रैशनैलिटी उनमें एथिकल यू नो इन्फ्यूजन करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, है ना, और वीक गवर्नेंस के स्ट्रक्चर्स को अरेस्ट करने की ज़रूरत है और इंश्योर करना पड़ेगा दैट गवर्नेंस स्ट्रक्चर को पुख्ता कर ले क्योंकि गवर्नेंस अगर स्ट्रक्चर पुख्ता होगा तो ही हमारा डेमोक्रेटिक जो फैब्रिक है वो पुख्ता होगा. क्योंकि अगर देखिए डेमोक्रेसी में क्या है ना, हम लोग जो सीधा जो डिपेंडेंट है सीधा सरकार में डिपेंडेंट है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. ठीक है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डायरेक्ट सरकार में डिपेंडेंट है. और जब हम लोग ऊपर का लेवल में देख रहे हैं यार वहां पर तो कोई छोटा काम करवाने के लिए करप्शन हमें करप्ट होने देना पड़ रहा है, भले ही अभी हम लोग को गुस्सा पड़ रहा है, ठीक है, बट एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जाकर हम लोग भी कहीं ना कहीं सोचेंगे चलो भैया हम लोगों को किसी ने करप्ट किया था, ठीक है, चलो हम भी करप्शन करते हैं, फोकट के पैसे तो आ जाते हैं, कुछ पैसे इसमें करप्शन के पैसे में कुछ टैक्स तो नहीं देना पड़ता है. ठीक है, तो देखिए ये फीलिंग हो जाना यही तो लॉस हो जाएगा ना, ये फीलिंग नहीं आने देना चाहिए और ये फीलिंग नहीं आने देने के लिए सरकार को इंश्योर करना चाहिएगा दैट गवर्नेंस स्ट्रक्चर जहां जहां पर करप्शन चल रही है उन सारे वी गवर्नेंस स्ट्रक्चर में बहुत ही घातक वार किया जाए सरकार के द्वारा. ठीक है, तो ये है करंट अकाउंट वल्नरेबिलिटी को अरेस्ट करने के लिए डिफरेंट सजेशन दिए गए थे. नेक्स्ट दोस्तों बोला गया है दैट स्पेक्ट्रम कोल और रिन्यूएबल रीजन के सेक्टर में जो ऑक्शंस चल रहे हैं, ठीक है, वो भले ही कहीं ना कहीं एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस भी लाए हैं डिफरेंट सेक्टर्स के लिए, बट एक चीज इससे बहुत अच्छा हुआ है और वो अच्छा ही चीज के लिए मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के ग्रोथ अच्छा तरीके से इंश्योर हो गया है. इसमें आया है ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर. पहले जो कोई भी ऑक्शन जैसे 2G स्पेक्ट्रम का इतना घोटाला क्यों हुआ था, उसमें ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर नहीं था. मैं सोची ऑफिस में बैठा हूं आप मुझे आ जाइए, आप बोलिएगा सर आपको मैं इतना घुस खिला दे रहा हूं 1 करोड़ रुपए आप मुझे स्पेक्ट्रम दे दो, तो मैं आपको दे दिया, है ना. तो देखिए वहां पर तो अब क्या हो गया, अब आ गया है ऑक्शन स्ट्रक्चर. अब आप मेरे पास नहीं आ सकते हो डायरेक्ट, है ना, आपको सीधा ऑनलाइन ऑक्शनिंग करनी पड़ेगी. जो ऑक्शन जीत जाता है उसका ये यू नो मतलब ट्रांसपेरेंसी क्रिएट हो गया और उसको वो स्पेक्ट्रम या फिर कोल के प्रोजेक्ट्स उनको मिल जाते हैं. इससे ये हुआ दैट पॉलिसी डिजाइन एक देखा और इस पॉलिसी डिजाइन को आप ग्राउंड लेवल और अलग अलग सेक्टर में भी इंप्लीमेंट कर सकते हो जिससे कि आप कॉस्ट को अपना मिनिमाइज कर रहे हो बट वहीं पर आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है. जैसे पहले जो वो बंदा जो सरकार से खरीद रहा था वो सोचिए 100 करोड़ रुपया दे रहा था, अभी जैसे ऑक्शन है ना, ऑक्शन का लिमिट ही आप मिनिमम लगा दो 100 करोड़ रुपया. मतलब कोई भी अगर 4-5 कंपनी भी ऑक्शन कर रही है तो मिनिमम वो 100 करोड़ रुपया तो देगी ही, समझ रहे बात. तो बट ऑक्शन में हम लोग को बहुत ही ज्यादा पैसे भी मिल सकते हैं फ्यूचर में, है ना, मतलब बहुत ही ज्यादा. तो इसीलिए बोला गया दैट ये पॉलिसी डिजाइन बहुत ही अच्छा है, एक बहुत अच्छा चीज यू नो गवर्नेंस स्ट्रक्चर के लिए मिला है और ये ट्रांसपेरेंसी स्ट्रक्चर
को मद्देनजर देखते हुए. नेक्स्ट इज इंटरनेशनल एंड नेशनल डिबेट्स चले हैं ऑन द रोल ऑफ मार्केट्स एंड स्टेट. मतलब कोई देखिए ज्यादातर अगर देखिएगा तो कंट्रीज कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है, ठीक है. तो डिबेट चल रहा है दैट इंटरनेशनल अरीना में और नेशनल अरीना में मार्केट का रोल ज्यादा है या फिर गवर्नमेंट का रोल ज्यादा है. तो ओवरऑल अगर वर्ल्ड का भी टिल्ट देख लीजिएगा, ओवरऑल अगर वर्ल्ड का देख लीजिए तो कहीं ना कहीं थोड़ा ज्यादा टिल्ट आपका स्टेट में ज्यादा है. मतलब मार्केट रेगुलेटेड गवर्नमेंट स्ट्रक्चर में ज्यादा है, ठीक है. वैसे वो नहीं बोल रहा हूं दैट कैपिटल का नहीं है, मतलब सॉरी प्राइवेट सेक्टर का नहीं है, प्राइवेट का भी है, ठीक है. बट स्टिल ओवरऑल अगर रेगुलेशन देख लीजिएगा तो बहुत ज्यादा केवियट्स लगाया हुआ रहता है ना. इनफैक्ट इंडिया में भी केवियट्स लगाया हुआ है, जैसे कंपनीज लॉज ही ले लीजिए यार, उसमें बहुत ज्यादा केवियट्स लगाया हुआ है क्या, नहीं है ना. अब CSR ले लीजिए, है ना, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसका एक पॉइंट के बाद अगर फायदा हो रहा है तो वो आपको कुछ कुछ अच्छे मिशंस के लिए खर्चा करना पड़ेगा और भी बहुत ज्यादा. ये तो जस्ट मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया, बट बहुत ज्यादा रेगुलेशंस डिफरेंट रीजंस के सरकार अपने कंपनीज में रखती है ना. क्योंकि देखिए कुछ भी अगर हो गया ना, पैसा सब कुछ बोलता है ना. कुछ भी अगर मतलब बाहर के सोचिए, एक बहुत मेजर कंपनी है जो कि इंडिया को चला रही है, ठीक है, और दूसरे देश के कंपनी क्योंकि ज्यादा पैसा है तो उन्होंने इसका मेजॉरिटी शेयर होल्डर खरीद लिया. जहां मेजॉरिटी शेयर होल्डर खरीद लिया वो तो कंपनी उस देश का हो गया ना ऑलमोस्ट, मतलब वर्चुअली तो हो गया ना यार. अब वो उस देश के अब कभी अगर बाई चांस सोचिए फिजिकल अगर वॉर हो गया हम लोग का, तो वो यू नो उस मार्केट वॉर भी कर सकती है वैसा, ठीक है, पूरा डिस्टेबलाइज कर देगी, ठीक है. मतलब ऐसे तो फिजिकल वॉर करो ही आप, हर तरीके से हम लोग को लॉस सहना पड़ेगा, ठीक है. तो इसलिए कहीं ना कहीं स्टेट का इन्वॉल्वमेंट देखा जा रहा है ना, ज्यादा है. नेक्स्ट इज बोला गया है दैट वैसे इंडिया में जो रोल है स्टेट या फिर मार्केट का, वहां पे एक बहुत बड़ा ग्रे जोन दिख रहा है ना. क्योंकि स्टेट का कैपेसिटी बहुत ज्यादा लिमिटेड है डिफरेंट सेक्टर्स के सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए. मेजर यहाँ पे फोकस किया गया हेल्थ और एडुकेशन सेक्टर. तो यहाँ पे कुछ राय भी सुझाव किए गए दैट इस टाइप के राय अगर आप इंप्लीमेंट करते हैं तो इन टाइप के सेक्टर्स में जो यू नो दिख रहे हैं मतलब नेगेटिव फॉलोआउट जो दिख रहा है, तो उन सेक्टर को अरेस्ट किया जा सकता है. मतलब हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर में जो स्टेट का रोल ठीक से नहीं हो पा रहा है, तो उस स्टेट का रोल मतलब सरकार जो है अपना रोल को और भी पुख्ता कर सकती है. वो कैसे, टेक्नोलॉजी के सहारे में, जैसे जनधन आधार मोबाइल आर्किटेक्चर का यूज करके, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का यूज करके. ये सब लाया किस लिए गया है, सहूलियत के लिए ना, जिससे ट्रांसपेरेंसी मतलब ट्रांसपेरेंसी ज्यादा से ज्यादा हो सके और रिस्पेक्टिवली पहले जो बेनिफिट जाता था पब्लिक को वो उसका पैसा ज्यादा से ज्यादा जा सके, जिससे लीकेज कम हो सके, ठीक है. तो ये तो बोला ही गया है, जैसे जनधन आधार मोबाइल यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस का सिस्टम का यूज करना है. बट साथ ही साथ बोला गया फाइनेंशियल सेक्टर में भी रेगुलेशन को हम लोग को और भी इंश्योर पुख्ता करना है, जिससे रिस्क को मिनिमाइज किया जा सके, ठीक है, और इंश्योर किया जा सके दैट टेक्नोलॉजी का भी ऐसा यू नो इफेक्टिवली यूटिलाइजेशन किया जा सके, जिससे कम्युनिकेशन मीडियम में जो मिसयूज होता है उस मिसयूज को भी रोका जा सके. नेक्स्ट है दोस्तों कैपिटल प्राइवेट सेक्टर के बारे में.